हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कंडेंस मिल्क। और कंडेंस मिल्क का हम यूज़ करते हैं लड्डू बनाने में, खीर में, मिल्क स्वीट्स में, डेजर्ट्स में, कन्फेक्शनरीज में, और टॉपिंग बना सकते हो आप चॉकलेट की। तो ये बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। कंडेंस मिल्क बनाने के लिए मैंने एक पैन में हाफ लीटर मिल्क ले लिया है। आप फुल क्रीम मिल्क का यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसे मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें से आप एक बार मलाई उतार चुके हैं। बट जो फुल क्रीम मिल्क है, इससे जो कंडेंस मिल्क बनता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी बनती है। अब आप इसे गर्म कर लीजिए। दूध गर्म हो चुका है और इसको हिलाते रहना है आपको, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अब हम इसमें एक बाउल चीनी ऐड कर देंगे। इसमें 7 से 8 चम्मच चीनी आती है, तो आप चीनी को ऐड कर दीजिए दूध में और फ्लेम को लो से मीडियम ही रखिए। दूध में एक बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 पिंच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जब आप डालेंगे तो इससे बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, दूध पे बबल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। आपको इस टाइम पर इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है फ्रेंड्स, इसको इस तरह से ही चलाते रहना है। देखिए फ्रेंड्स, इसको इस तरह से हिलाते रहना है और इसको हमें तब तक चलाना है जब तक हमारा मिल्क आधा ना हो जाए। तो अब देखिए, कलर भी इसका चेंज होने लग गया है, येलो ब्राउन आना स्टार्ट हो गया है कलर। तो आप इसको चलाते रहिए फ्रेंड्स। देखिए, हमारा कंडेंस मिल्क बनकर तैयार है। और आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी भी देखिए, कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। इसको आपको ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि जब आप इसे ठंडा करेंगे तो ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो हम इसी स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे। इसे लो से मीडियम फ्लेम पर मैंने रखा था और इसे बनने में 30 से 35 मिनट का समय लगा है। तो फ्रेंड्स, हमारा कंडेंस मिल्क बनकर तैयार है। अब आप इसे फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में डालकर स्टोर भी कर सकते हैं।